Hello everyone, this is Saeed Al-Nuri. Welcome back to GTN classes. हम अपने चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के आज पार्ट 5 में. हमने लास्ट वीडियोस में आई होप कि आपने देख ली होगी. अगर नहीं देखी तो फौरन से देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए. लास्ट वीडियोस में हमने मेंडल के जो भी लॉस थे, उनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, ये सब उन्होंने सीख लिया. फिर हमने ये भी देखा कि मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो थोड़े बहुत वेरी करते हैं. विच मीन्स कि मतलब उनके जो तीन लॉस थे, द वेरी फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो भी फेल कर रहा है एक जगह. फिर जो दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो फेल नहीं करता है, उसीलिए उसको हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला. एंड जो आपका लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो भी फेल कर जाता है. फेल इन द सेंस इट्स लाइक कि हर लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं. जितनी नॉलेज उस टाइम मेंडल सर के पास थी, या जो भी एपरेटस वगैरह अवेलेबल थे, उसके बेसिस पे उनके जो भी वर्क, वो बहुत ब्रिलियंट थे, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बोला जाता है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई और उनके वर्क को जो बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस टाइम भाई इतना सोर्स ऑफ मीडिया अच्छा नहीं था. अभी क्या है, अभी अगर मैं टीचर हूँ फिलहाल, तो मैं फेमस हो सकती हूँ अगर आप लोग मेरी हेल्प करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा, जीटेन के बारे में पता चलेगा. बट मेंडल सर के टाइम पे ऐसी सिचुएशंस नहीं थी, तो उनके वर्क ऑल तो बहुत फैंटास्टिक थे, बट उतना ज्यादा लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आई और ना उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई. तो उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो बायोलॉजी में मैथ्स को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, रेशियोज वगैरह यूज कर रहे थे, फ्रैक्शंस वगैरह यूज कर रहे थे, तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही थी. दूसरा ये था कि उन्होंने जो ये बोला था कि सिग्रीगेशन होता है, कुछ स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स मौजूद होती हैं जिनको उन्होंने फैक्टर्स बोला था, और बाद में उसको हम लोगों ने जीन्स बोला, इनका सेग्रीगेशन होता है, इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है. तो ये सारी चीजें जो थी लोगों के समझ में नहीं आ रही थी. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एपरेटस आते गए, लोगों के पास माइक्रोस्कोप हो गया. माइक्रोस्कोप में अब लोग क्या कर सकते थे, सेल डिवीजन को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे. इनके टाइम, मेंडल सर के टाइम तक में इतना ज्यादा माइक्रोस्कोप एडवांस्ड नहीं था कि वो सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर सकते, अपनी थ्योरी को और क्लियरली लोगों को एक्सप्लेन कर पाते. लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई, एक तीन बहुत फेमस नेम आते हैं. एक है आपका डीव्रीज, एक है आपके कोरेंस, एंड एक है आपके वॉन जेस्चर मैक. ये तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स कि तीनों का कोलैबोरेटेड वर्क नहीं था, इन्होंने अपना अलग डिस्कवर किया, इन्होंने अपना अलग किया, इन्होंने अपना अलग किया. तो इन दोनों ने वापस से जो मेंडल का वर्क था उसको स्टडी किया, उसको एनालाइज किया. एंड फिर उसके बाद, क्योंकि इनके टाइम पे क्या था कि माइक्रोस्कोप वगैरह अच्छे आ चुके थे, और इन लोगों ने साथ ही साथ सेल डिवीजन भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब इन लोगों ने सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप के थ्रू वो जो जितने भी डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, स्पेशली यहाँ हम लोग, क्योंकि हम लोग को सेग्रीगेशन पढ़ना है, और इतना 11th में आप प्रियोर पढ़कर बैठे हो कि सेग्रीगेशन होता है, या ये बोलो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ नंबर में डिवाइड हो जाते हैं जब मियोसिस होता है. तो इन्होंने सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया, या आप बोलो मियोसिस ऑब्जर्व किया. तो मियोसिस के एक एक फेज को अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये देखा कि जब सेल डिवीजन होता है मियोसिस में, तो मियोसिस वन में आपके जो कुछ कलर्ड बॉडीज आती हैं, वो इस तरह से आके सेंटर पे कहीं अलाइन कर जाती हैं, और फिर ये कलर्ड बॉडीज आधे टुकड़े में ऊपर और आधे टुकड़े में नीचे आ जाती हैं, जिसको हम लोग, क्योंकि अभी तो हमें पता है ना, उस टाइम इन लोगों को ये चीजें नहीं पता थी. तो इन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हाफ सेट ऊपर जाता है, हाफ सेट नीचे. मान लो यहाँ पास आपके टोटल 4 थे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, मतलब दोनों अपोजिट पोल्स में इक्वली डिवाइड होके चले जाते थे, जो कि हम लोग मियोसिस में पढ़ते हैं. मियोसिस में आपकी पैचिटिन, डाइकाइनेसिस, ये सब प्रोसेस होते थे. तो एनाफेज वगैरह में आपका इस तरह से जो कलर्ड बॉडीज है वो डिवाइड हो जाती है. तो उन लोगों ने देखा कि ये कलर्ड बॉडीज क्या है, कुछ और नहीं बल्कि वो, उन्होंने उसका नाम क्रोमोसोम किया. क्रोमोसोम वर्ड का मतलब ही होता है कलर्ड बॉडीज.
तो इन लोगों ने ये देखा कि अगर हम क्रोमोसोम्स को लेते हैं, क्रोमोसोम वर्ल्ड लेते हैं, या जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर उन्हें सेल डिवीजन में दिख रहा था, क्रोमोसोम्स को प्लस हम मेंडल सर ने जो फैक्टर या जीन्स वर्ल्ड किया उसको लें, तो ये दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। और इसी को रिलेट करके इन लोगों ने जो भी मेंडल सर की थ्योरी थी, जो कि उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स या ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स बताई थी, इन लोगों ने उस चीज को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स बताया। तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने कुछ बहुत नया किया या बहुत अलग किया, मेंडल सर के वर्क को ही थोड़ा सा फर्दर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आगे प्रोसीड किया इन लोगों ने। तो अब उसी चीज को हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ जो थ्योरी आती है उस थ्योरी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या देखा, इन लोगों ने जो जीन था उस जीन को रिप्लेस कर दिया क्रोमोसोम से, रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम। क्यों किया, कैसे किया, इसको भी आप समझ। आपने अपने प्रियर क्लास में पढ़ा होगा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के केस में उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट एक पेरेंट की तरफ से आता है, दैट इज फादर, एंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनके दूसरे पेरेंट की तरफ से आता है, दैट इज मदर, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब। इस तरह से आप बना सकते हो डायग्राम। तो मान लो ये आपका वेरी फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें जो ये वाला होगा, ये वाला आपका हो गया फादर की तरफ से और ये वाला आपका हो गया मदर की तरफ से। तो इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, तो हमें ये चीजें पहले से पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही तो जीन कैरियर होते हैं, इन्हीं में सारे जीन्स मौजूद होते हैं, और जो जीन्स होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि आपका कैसा फिनोटाइप होगा। ठीक, तो क्रोमोसोम्स पे ही आपके जीन्स मौजूद हैं। मेंडल सर ने बोला था कि जो जीन्स होते हैं वो दो अल्टरनेटिव या दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स में रहते हैं, या ये बोलो उनके दो एलील्स मौजूद होते हैं। उसी तरह से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पास क्रोमोसोम भी तो दो मौजूद है ना, एक फादर के साइड का और एक मदर के साइड का, जिनको हम होमोलोगस बोलते हैं। जैसे जीन्स दो रहते हैं वैसे ही आपके पर्टिकुलरली एक टाइप में दो तरह का क्रोमोसोम रहता है, हाफ सेट फादर की तरफ से, हाफ सेट मदर की तरफ से। तो मान लो आपका ये क्रोमोसोम जो है, अभी फिलहाल एक ही जीन लेते हैं, तो दोनों का क्रोमोसोम लगभग क्या होगा, सेम रहेगा। और यहाँ पास मान लो यहाँ इनका एक जीन मौजूद है और ये जो जीन है ये जीन फॉर हाइट है, तो उसी तरह से इनके क्रोमोसोम पे, मदर के क्रोमोसोम पे भी जीन फॉर हाइट मौजूद होगा। अब हाइट का ये जीन मौजूद है, ये एलील अलग अलग हो सकती है। फिलहाल हम लोग ये बोलते हैं कि दो एलील्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो हो सकता है इनके इसमें कैपिटल टी हो और इनके इसमें स्मॉल टी हो, या दोनों में कैपिटल टी, या दोनों में स्मॉल टी हो, इस तरह से हो सकता है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम का फंक्शन है, मतलब जो क्रोमोसोम का हमें देखना है कि कैसे ये आगे जाके डिवाइड होता है या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब जीन से सेम हो रहा है, क्योंकि जीन भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। जीन्स किस पे मौजूद है, क्रोमोसोम्स में मौजूद है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। और क्रोमोसोम्स फर्दर क्या करते हैं, जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम एग्जैक्टली यहाँ पास आपके इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपके मान लो ये दोनों हैं, इस तरह से होता है। इनमें थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन वगैरह भी होता है, जिसको भी आगे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पास होता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि एक इधर क्रोमोसोम आ जाता है और एक इधर आ जाता है, तो हाफ सेट आपके इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, या ये बोलो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं।
तो जो हमें बेसिकली देखना है कि कैसा जीनोटाइप पाएगा, अगर उस बेसिस पे आप देख रहे हो, फंक्शन के बेसिस पे देख रहे हो, तो आप कह सकते हो कि जीन्स और क्रोमोसोम का फंक्शन सेम है, क्योंकि दोनों ही दो तरह के होंगे, दोनों ही आपके जीनोटाइप को डिसाइड करेंगे, और दोनों का ही सेग्रीगेशन होगा, और इनके सेग्रीगेशन के बाद आपके गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि उनका ये जो पूरा फंक्शन है, जो ये प्रोसीजर है, वो सेम था, तो इन लोगों ने, जो तीन साइंटिस्ट के नेम अभी मैंने बताए आपको, दैट इज डी व्रीज, कोरेंस एंड वॉन स्टिशरमैक, इन लोगों ने क्या किया, जीन्स की बजाय से क्रोमोसोम के उस पर लिंक कर दिया, सॉरी क्रोमोसोम टर्म यूज कर लिया, एंड उसके बेसिस पर उन्होंने दे दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, अच्छा ठीक है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे तो दी गई, फिर इसको प्रूफिंग चाहिए थी, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है थॉमस हंट मोर्गन। एक्चुअल में जो ये तीन साइंटिस्ट थे, डी व्रीज, वॉन टिस्चरमैक एंड कोरेंस, इन्होंने जो ये जीन्स को रिप्लेस किया था क्रोमोसोम से, उसके बाद इसको फर्दर और एक्सप्लेन किया था दो और साइंटिस्ट बहुत फेमस हैं, सटन एंड बोवरी। सटन है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम्स भी आते हैं, सटन एक अलग है एंड बोवरी एक अलग साइंटिस्ट है। इन दोनों ने फर्दर जो ये तीन साइंटिस्ट के काम थे क्रोमोसोम्स को, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसके बेसिस पे इन्होंने फर्दर लिया, और इन लोगों ने अल्टीमेटली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी, एंड फिर इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफिंग या प्रूफ किसी और ने नहीं, थॉमस हंट मोर्गन सर ने दिया था। थॉमस हंट मोर्गन सर ने क्या किया था, इन्होंने लिया ड्रोसोफिला मिलानोग्रास्टर, फ्रूट फ्लाइज कॉमन नेम है उनका, ड्रोसोफिला मिलानोग्रास्टर, इट्स एस एंड दिस इज आर। ओके, तो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर लिया, और इनमें इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग कराई थी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, और जिससे एक्सपेरिमेंटली ये थ्योरी प्रूफ हो गई और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, और जब इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो याद करिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हो, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, पैरेंटल जनरेशन लेते हो, उससे गैमीट बनाते हो, उससे F1 बनाते हो, और F1 में सेल्फिंग करा के आप F2 जनरेशन बना लेते थे। तो F1 वाले में जो आपका रेशियो आता था फिनोटाइप का, 9:3:3:1 आना था। तो थॉमस एंड मोर्गन ने भी जब ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया फॉर प्रूविंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उनको ये था कि यहाँ पास आपका कुछ ऐसा रेशियो आना चाहिए, बट एक्चुअल में यहाँ पास जो ये रेशियो था 9:3:3:1 नहीं आया, यहाँ ये रेशियो इनका चेंज कर गया। जो मेंडल सर के तीन लॉस थे, वेरी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका फेलियर या उसका जो लिमिटेशन था, वो हम लोगों ने पीछे देख लिया था, को डोमिनेंस था आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, और जो सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो फेल नहीं होता है, सो उसको तो हमें मतलब वो जब फेल ही नहीं होता तो उसका लिमिटेशन पढ़ना क्या है। जो लास्ट लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक जीन्स दूसरे जीन्स को इंटरफेयर नहीं करते हैं सेग्रीगेट करते टाइम, वो चीज भी उनकी फेल हो गई। कब फेल हो गई, जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, और उसकी प्रूविंग के लिए ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे थॉमस हंट मोर्गन ने एक्सपेरिमेंट कराए, तो वहां उन्हें रेशियो 9:3:1 नहीं मिला। ये डेविएशन क्यों आया, ये डेविएशन आया बिकॉज ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये इनको डेविएशन मिला। अब ये क्या होते हैं, ये हमें फिलहाल पढ़ना है। ठीक, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे सबकी डिस्कवरीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और अब हमें फाइनली पढ़ना है कि व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन।
जैसे मेंडल सर ने पाइसम सेटाइवम या पीज यूज किया था अपना एक्सपेरिमेंट्स के लिए, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज किया था। कुछ ना कुछ वजह रहती है, जब भी आप स्पेसिमेन चूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तो उसकी कुछ ना कुछ वजह रहती है। जैसे पाइसम सेटाइवम को यूज करने के लिए बहुत सारी वजह थी, वैसे ही थॉमस हंट मॉर्गन को भी यूज, इन्होंने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज किया था उसके कई सारे रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि इनको ग्रो कराना बहुत इजी था, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई यही चाहता है कि कम पैसे में, कम टाइम में, कम हार्डवर्क या कम काम से हमको ज्यादा चीजें मिल जाए। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लैब में उनका कल्चर बनाना, उनका मीडियम बनाना और उनको ग्रो कराना बहुत ईजी होता है। तो एक तो ये रीजन हो गया था। दूसरा रीजन ये था कि इनमें भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, मेल फीमेल एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं। यूजुअली इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो लार्जर होती हैं साइज में, जबकि मेल्स इसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत छोटी रहती है, नियरली 2 वीक्स की इनकी लाइफ साइकिल होती है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको क्लियरली जो रिकॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व करने में आते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर किया था। अब आपको ये देखना है कि इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर पे जो एक्सपेरिमेंट्स कराए थे या जो डायहाइब्रिड कॉज कराया था वो कराया, तो उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिली थी, फिलहाल हमें वो देखना है। एंड उसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि कैसे लिंकेज इफेक्ट करता है सेग्रीगेशन, सॉरी इफेक्ट करता है व्हेन इट इज अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ 2 जीन्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पास हमें ये देखनी है कि इन्होंने एक लिया था, इनका जो मोस्ट फेमस क्रॉस है वो ये है, वाइट आइड येलो बॉडीड, इन्होंने ये फीमेल ली थी। और इसकी क्रॉसिंग कराई थी रेड आइड ब्राउन बॉडी से। इन्होंने इसको क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद इन्होंने F1 जनरेशन देखी। F1 जनरेशन में उन्हें 9:3:3:1 का फिनोटाइप रेशियो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब बिकॉज ऑफ लिंकेज एक्चुअली, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन एक अलग चीज है, लिंकेज एक अलग चीज है। ये जो डेविएशन हो रहा था बिकॉज ऑफ लिंकेज हो रहा था। तो लिंकेज एक्चुअल में होता क्या है इसको आप ऐसे समझो, हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपके होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे आपके जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग मौजूद होते हैं। जैसे मान लो ये आपका एच हाइट का जीन है, ये आपका मान लो कलर का जीन है, इस तरह से मौजूद रहते हैं। फिर उनके दो एलील्स हो सकते हैं, इनका सेग्रीगेशन होगा, कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है कि एक पूरे क्रोमोसोम पे सिर्फ आपके एक ही जीन मौजूद होंगे, यहाँ बहुत सारे जीन्स मौजूद होंगे, यहाँ बहुत सारे जीन्स मौजूद होंगे। तो जो जीन्स मौजूद होते हैं, मान लो ए जीन है यहाँ, बी जीन है, सी जीन है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो जब इनका सेग्रीगेशन होगा तो एक साथ या तो ये सेग्रीगेट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो आपके दो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको सेल डिवीजन सही से नहीं याद आ रहा होगा तो आप ये वाला चैप्टर, ये जो टॉपिक है इनफैक्ट दिस टॉपिक, वो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। बाकी चीजें तो समझ आ जाएगी बट ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर आपको मियोसिस सेल डिवीजन नहीं याद है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी एक बार आप उसको रिवाइज कर लो, हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगेगा। रिविजन के बाद जब आप देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। आपको पता है कि यहाँ क्या होता है कि इस तरह से आपके दो क्रोमोसोम रहते हैं और उनमें ऐसे कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ इस तरह से बुक्स में डायग्राम बने रहते हैं इसके ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इस वाले क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम पे चला जाता है एंड इसका कुछ सेगमेंट इसमें आ जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिस चीज को आपने 11th में मियोसिस जब पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ हो जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो जब रिकॉम्बिनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो ये देखा गया है कि कुछ जीन्स होते हैं, जैसे मान लो आपका ए है और बी है एंड सी है, तो वो जीन्स जो एक दूसरे से जितना पास होते हैं वो टेंडेंसी शो करते हैं लिंकेज की। इसका मतलब ये है कि वो साथ में सेग्रीगेट करना चाहते हैं, वो किसी दूसरे के साथ सेग्रीगेट नहीं होना चाहते।
या वो किसी दूसरे के साथ अपने आप को रिकम्बाइन नहीं करना चाहते, और ऐसे जीन्स जो एक दूसरे से दूर हो, जैसे आपका ए से बी है, बी से सी है, तो ए बी पास पास है तो इनकी लिंकेज होगी, बी और सी पास पास हैं तो ये भी क्या करेंगे, लिंकेज करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप ए और सी को देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि उनके डिस्टेंस ज्यादा है, तो जैसे ऐसे जीन्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं तो उनमें लिंकेज की कैपेसिटी कम होती जाती है, एंड वो रिकॉम्बिनेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आएंगे, एक फादर साइड का होगा एक मदर साइड का होगा, तो उनमें क्या होगा कैरेक्टर्स, मतलब सर्टेन टाइप ऑफ जीन्स फॉर सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं, इसीलिए आपको बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है वो इसी के वजह से देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड लिंकेज क्या होता है, लिंकेज इज इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स या बिटवीन टू एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है। दो जीन्स के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है, एक तरह का फिजिकल एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से वो साथ में सेग्रीगेट करना चाहते हैं और वो किसी दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं करना चाहते, उन्हें हम बोलते हैं लिंकेज इस प्रोसेस को। एंड रिकॉम्बिनेशन ये होता है कि जब जीन्स दूर दूर होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू रिकम्बाइन विद द अदर जीन ऑफ द अदर होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, तो उसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो मॉर्गन ने बोला कि जो ये डेविएशन आ रहा था बिकॉज ऑफ लिंकेज आ रहा था, क्योंकि इसमें क्या था कि कुछ जीन्स जो थे आपस में लिंक्ड थे तो वो साथ में सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जीन्स होते हैं जो जितने जितने पास होंगे उतना लिंकेज होगा, जितने से दूर होते जाएंगे उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, तो इसके बेसिस पे क्रोमोसोम की प्लॉटिंग की जाती है जिसे हम जीन मैप बोलते हैं। उस लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक थोड़ा सा नॉलेज से आपको पता होना चाहिए। तो जीन मैपिंग से क्या होता है, ये क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा लिंक्ड है कौन सा कम है, तो आपको जब फाइनली F1 जनरेशन देखने को मिलेगी तो उसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसी चीजें जो ज्यादा लिंक्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ये, आप मान लो कि व्हाइट आइड और येलो बॉडी आपस में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं, तो इसका मतलब है कि इस वाले उसमें जब आपको F1 मिलेगा तो आपको ये वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू व्हाइट आइड एंड ब्राउन बॉडी, ठीक। तो ऐसे लिख लो, व्हाइट आइड एंड ब्राउन बॉडी जो है उसको मान लो इनका जो लिंकेज है वो काफी कम है, तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पास इनका रेशियो आएगा तो इनका रेशियो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, उनकी इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी एज कम्पेयर टू वो दो जीन्स जिनमें क्या हो लिंकेज हो, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है व्हाइट आइड एंड येलो बॉडी, ठीक। परसेंट्स वगैरह निकाले जाते हैं, उस लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्लियरली समझना है कि एक लिंकेज होता है और एक रिकॉम्बिनेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ लिंकेज आपका ये रेशियो डेविएट करता है, ठीक। तो बहुत छोटी चीजें थी, आई डोंट थिंक कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, क्योंकि अगर आपको ये पर्टिकुलरली होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिकॉम्बिनेशन एंड जो मियोसिस में यहाँ पास होता था ये प्रोसेस वगैरह और यहाँ पास सेग्रीगेट करते थे क्रोमोसोम्स, अगर ये चीजें आपको याद होगी तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा। अगर इनकेस नहीं याद है तो आई थिंक कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट किया होगा ये, तो इसके लिए मैं आपको सिंपली एडवाइस दूंगी कि आप एक बार मियोसिस जरूर पढ़ लो, मुश्किल से आपको 10 to 15 minutes लगेगा और उससे आपका ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीजेनिक, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इनफैक्ट उस चीज को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, बट वहां हम लोग ने टर्म यूज किया था मल्टीपल एलील, एक ही जीन के मोर देन वन टाइप ऑफ एलील, और अब जब पॉलीजेनिक बोल देंगे तो यहाँ पास ये होगा कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मोर देन वन जीन लगेंगे। पॉलीजेनिक, देखो अभी तक हम लोग ये पढ़ कर आए थे कि एक कैरेक्टर को
डिसाइड करने के लिए कि वो कैसा होगा, उसका फिनोटाइप डिसाइड करने के लिए एक जीन होता था, और उस जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते थे या दो कॉन्ट्रास्टिंग होते थे, उन्हें हम बोलते थे एलील्स, ठीक, जिसमें से एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो सकता था, मान लो ए से, और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक। फिर हमने एक केस देखा, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड सिस्टम देखा था, तो उसमें पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जीन का दो ही एलील हो, मोर देन टू एलील हो सकता है, तो वहां हमने टर्म यूज कर लिया था मल्टीपल एलील। उसी तरह से पॉलीजेनिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मोर देन वन जीन होते हैं, ठीक, मोर देन वन जीन होते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो कैरेक्टर कैसा होगा। एंड ये जो मोर देन वन जीन है, यही एक्चुअल में एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे जब हम लोग ने हाइट पढ़ी थी, मेंडल ने बोला कि पी प्लांट में जो हाइट थी वो डिसाइड हुई थी एक जीन से, जिसके दो एलील थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और उसमें दो ही एक्सट्रीम लेवल था, या तो आपको पेड़ टॉल मिलेगा या तो आपको ट्रॉफ मिलेगा, इंटरमीडिएट आपको कहीं नहीं मिल रहा था। ये केस पी प्लांट के उसमें तो सही था, बट यही चीज जब आप हाइट की बात ह्यूमन के केस में करोगे या किसी दूसरे प्लांट्स वगैरह के केस में करोगे, तो वहां आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा। ह्यूमन्स में आपको बहुत टॉल भी मिलते हैं, बहुत ड्रॉप भी मिलते हैं, और इंटरमीडिएट मॉडरेट हाइट वाले भी मिलते हैं। तो क्या उनमें क्या होता होगा फिर, क्या उनमें ब्लेंडिंग हो जाती होगी दो जीन्स की? नहीं। तो उनका जो ये एक्सप्लेनेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीजेनिक। तो ह्यूमन्स में जो स्किन कलर है, उनकी जो हाइट है, इंटरमीडिएट हाइट होना, या स्किन कलर अकॉर्डिंग टू मेंडल फिर दो ही तरह की स्किन होनी चाहिए, या तो एक्सट्रीमली वाइट होनी चाहिए या तो एक्सट्रीमली डार्क होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हमें बहुत तरह के स्किन कलर ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पास ये जो ह्यूमन स्किन कलर है, ह्यूमन हाइट है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो ये सब डिसाइड होते हैं पॉलीजेनिक के केसेस में, जहाँ हमें ये पता चला कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए मोर देन वन जीन हो सकते हैं। अब मान लो अगर जैसे, क्योंकि बुक में बड़ा फेमस एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है और वो काफी अच्छा एग्जाम्पल भी है, कि अगर हम स्किन कलर की बात करते हैं तो स्किन कलर को एक्सप्लेन करने के लिए मान लो तीन जीन्स हैं। जीन्स को आप एक्स वाई जेड बोल दो, ठीक। तो हमें पता है ये तीन जीन हैं, तो इन तीन जीन के एलील दो दो मौजूद होंगे, एक एक्स होगा, एक स्मॉल एक्स होगा, एक कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल वाई होगा, एक कैपिटल जेड होगा और एक स्मॉल जेड होगा, ठीक। अब जब इस तरह से आपके तीन जीन हैं, तो तीन जीन से आपको इतने सारे एलील्स मिलेंगे, और इनका जब फर्दर कॉम्बिनेशन होगा तो आपको क्या मिलेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से आपको वेरियस टाइप ऑफ स्किन कलर देखने को मिलेगा। अगर मान लो जो डोमिनेंट है वो आपके व्हाइट के लिए है, तो सारा जब डोमिनेंट मौजूद है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है, कैपिटल जेड है, तो आपको एक्सट्रीमली व्हाइट मिलेगी। और जब आपको सारे के सारे रेसेसिव मिलेंगे, दैट इज अ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, तो आपको एक्सट्रीमली डार्क स्किन मिलेगी। और इसी में अब अलग अलग तरह का आप कॉम्बिनेशन करते चले जाओ, मान लो आपका कैपिटल एक्स है। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने एक्स वाई जेड लिखा है ऑल दो, बट ये गैमीट के फॉर्म में है ना, इसको मतलब आप डिप्लॉयड के केस में अगर लोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल जेड एंड कैपिटल जेड। तो ये आपका हो गया वाई, भी मैंने थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली लिख दिया था, इसको आप ऐसे लिख लो, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि ह्यूमंस हैं, डिप्लॉयड हैं, तो यहाँ दो होने चाहिए, ऑफकोर्स वो दो ही होंगे। फिर इनमें आप स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एंड स्मॉल जेड कह सकते हो, तो एक्सट्रीमली आपके डार्क हो गए। अब इस चीज को आप फर्दर क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह से कंबाइन कर सकते हो। तो कितने सारे फॉर्मेशन होंगे, इसके लिए आप क्या करो, इनका गैमीट बना लो। अब गैमीट बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप गैमीट्स कैसे बना सकते हो इनके। और गैमीट बनाने के बाद आप अपना जो चार्ट बॉक्स हम लोग बनाते थे पीछे, उस तरह से बना के आप फर्दर देख सकते हो कि बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस यहाँ दिखेंगे, एंड इसीलिए आपको वेरियस टाइप्स के स्किन कलर देखने को मिलती है। कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड कैपिटल जेड, स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एंड स्मॉल जेड। तो इनमें जब गैमेट बनाओगे तो एक जीन का एक आना चाहिए, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड,
ऐसे ही इनका भी बनेगा x y z। तो मैंने वहां जो लिखा था नीचे वो एक्चुअली मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था। तो अब आप इसका क्या करोगे, इनकी क्रॉसिंग करा लो। इनकी क्रॉसिंग कराओगे जैसे अपना बॉक्स बनाते हो उस तरह से बॉक्स बनाओ, उस पर लिख लो, फ्यूजन करा लो, तो आपको दिखेगा बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। मैं फर्दर बॉक्स वगैरह इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि उस लेवल पे क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड्स में, एंड क्योंकि हम स्ट्रिक्टली फ्री स्टडी जोन में हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कोर्स विद इन टाइम कम्प्लीट हो जाए। एग्जाम में हम एटलीस्ट जो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ले, उस लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं। बट मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको मैंने कॉम्बिनेशन करना तो सिखाई दिया है ना, उसको आप कंबाइन करते चले जाओ और आप देखते चले जाओगे तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो मेंडल का जो एक और चीज थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी कि जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, हाइट है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपका ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आ गया। पॉली जेनिक इनहेरिटेंस। तो जो कुछ भी इश्यूज थे मेंडल की थ्योरी में वो सारे इश्यूज फाइनली क्या हो गए, धीरे धीरे रिजोल्व हो गए। ये पता चल गया कि हाँ उनमें सेग्रीगेशन हो सकता है, क्रोमोसोम से हमने उसको रिप्लेस कर दिया, या जो 9:3:3:1 का रेशियो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, वो लिंकेज की वजह से होता है, या कुछ कैरेक्टर होते हैं पॉपुलेशन में उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, कुछ कैरेक्टर की कम रहती है, तो वो रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज के परसेंट की वजह से होता है। तो जो भी इश्यूज थे मेंडल की थ्योरी में वो सारे इश्यूज धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे डिस्कवरीज आगे जाती गई पता चल गया। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो मेंडल की थ्योरी थी वो थ्योरी सही थी, उनकी थ्योरी नहीं गलत थी, वो तो उनके पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो वो उस लेवल पे उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसलिए जब सारी चीजें आती गई, सारे साइंटिस्ट आते गए, सारी डिस्कवरीज आती गई, तो हर चीज का बैकबोन कुछ और नहीं बल्कि मेंडल की थ्योरी थी। इसीलिए बाद में ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि उन्होंने एक तरह का बैकबोन दिया है जेनेटिक को या जेनेटिकल साइंस को, तो इसीलिए उनको फिर ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। वेल, आपका ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम और आगे आ चुके हैं, इनफैक्ट अभी हमें और आगे जाना है, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए हम यहीं तक करते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये भी वीडियो लेक्चर। तो बस प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज फोकस होकर पढ़ाई करें। थैंक यू।